हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टेक्निकल वीडियो लेके आया हूं, जिसमें कि हम बात करने जा रहे हैं गूगल सर्च कंसोल की। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले क्या मैं आपको देने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं, आइए हम बात करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। मैंने अपने यूट्यूब का चैनल अपने ऊपर लिंक में भी, जैसा आपके सजेशन में आ रहा है वहां पे भी डाल रखा है, या आप यहां से भी मेरे यूट्यूब चैनल को ओपन करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट है गूगल सर्च कंसोल का, हम ज्यादातर प्रैक्टिकल बात करते हैं, हम थ्योरेटिकल बहुत कम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप न्यू यूजर हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल मैं आपको दिखा देता हूं। और उस चैनल पे मैंने गूगल सर्च कंसोल की कौन कौन सी वीडियो को अपलोड कर रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, जब आप टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग सर्च करते हैं, वीडियोज में जाते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको मेरा चैनल आएगा और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कई तरीके की प्लेलिस्ट बना रखी है टेक्निकल ट्रेनिंग की। तो आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि देखिए गूगल एनालिटिक्स ट्रेनिंग है, माइक्रोसॉफ्ट बेसिक ट्रेनिंग है, गूगल लोकल लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, इसी तरीके से एक है गूगल सर्च कंसोल अपडेट एंड ट्रेनिंग। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखिए, अगर आपने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आई विल रिक्वेस्ट, मैंने ऊपर सजेशन में भी लिंक दे रखा है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट गूगल सर्च कंसोल टूल फॉर योर वेबसाइट। तो सबसे पहले जरूरी क्या होता है कि हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, उसके बाद आगे की कहानी शुरू होती है। सेकेंड में हाउ टू एड सर्च कंसोल डेटा इनटू गूगल एनालिटिक्स, कि हमने अपना गूगल सर्च कंसोल को इंटीग्रेट कर दिया वेबसाइट पे, इसके डेटा को जीए में भी ले लिया। उसके बाद मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि हम सर्च कंसोल से कीवर्ड को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ यूजर्स की रिक्वेस्ट आई थी, दे आर फेसिंग सम इशू कि ओनली 1000 कीवर्ड्स उन्हें मिलते हैं, इससे ज्यादा कैसे मिल सकते हैं। तो नाउ फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स आई एम स्टार्टिंग द प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर गूगल सर्च कंसोल, जहां की हम पार्ट वाइज बात करेंगे। तो आज फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आइए हम चलते हैं गूगल सर्च कंसोल पे। मैंने ये अपनी वेबसाइट www.com4seo.com का डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद जब आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाती है, या जब आप जैसे लॉगिन करते हैं तो आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देती है। और अगर आपकी वेबसाइट वेरीफाइड नहीं है तो आप ये दो डोमेन और URL प्रीफिक्स, दो ऑप्शंस का यूज करके अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करा सकते हैं। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जहां हम पहली वीडियो है जो कि आप सजेशन में भी देख पा रहे हैं, आप उसे देख लीजिए अगर नहीं देखी है। एंड मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक डाल रखे हैं अपनी प्लेलिस्ट के, वहां से भी आप क्लिक कर सकते हैं। आइए अब यहां पे देखिए, जब आप क्लिक करेंगे तो सारी प्रॉपर्टीज आती हैं जो आपकी वेरीफाइड है। तो मैं यहां अपनी वेबसाइट com4seo.com को सर्च करता हूं, देखिए ये आ गई, इस पे मैंने क्लिक किया और देखिए इस तरीके से मेरी एक रिपोर्ट ओपन होके आती है। तो हम सबसे पहले देखिए, ये गूगल सर्च कंसोल, यहां पे अगर आप क्लिक करते हैं तो पूरी फुल स्क्रीन ये हो जाता है, इस तरीके से यहां आता है, ये हमारा मेन्यू आ जाता है, यहां पे आप सर्च कर सकते हो। ये देखिए हेल्प सेक्शन होता है, ठीक है, ये यूजर सेटिंग होती है। आइए मैं आपको दिखा देता हूं यूजर सेटिंग में हम क्या क्या करते हैं। देखिए ईमेल प्रीफरेंसेस, ऑल ईमेल्स आर इनेबल्ड, ठीक है, इस पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। ये इनेबल नोटिफिकेशन बाय ईमेल, मतलब अगर हम कुछ कर रहे हैं, किसी को कुछ परमिशन दे रहे हैं, कुछ एक्सेस दे रहे हैं, तो हमारा नोटिफिकेशन थ्रू ईमेल जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्च कंसोल इन सर्च रिजल्ट इनेबल्ड फॉर ऑल योर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं कि हमने क्या क्या कर रखा है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये भी ऑप्शन हमने इनेबल कर रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आते हैं हम इस पे मैसेजेस पे। फ्रेंड्स, ये एक अच्छी चीज गूगल सर्च कंसोल ने अभी लॉन्च की है, हार्डली 6 to 7 months है वो, कि किसी भी तरीके की जो भी हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस है मंथली बेसिस पे, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो वो नोटिफिकेशन हमें यहाँ आ जाता है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपका क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये हमारा अकाउंट होता है। नाउ अब हम चलते हैं यहां पर, तो यहां पे आप अपनी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी एडेड है, न्यू प्रॉपर्टी एड करनी है आप यहां से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए ओवरव्यू,
ओवरव्यू में क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले आता है आपकी परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में देखिए क्या आ रहा है, नीचे अगर आप देखेंगे तो अनाउंसमेंट में टाइप, वैलिड, एरर और ट्रेंड, कि ट्रेंड कैसा है, ग्राफ मिल रहा है मोबाइल यूजेबिलिटी का, ब्रेड क्रम का, लोगोज का और कोर वेब वाइटल्स का, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जनरल ओवरव्यू है हमारा कि किस तरीके से, देखिए ये सर्च क्लिक्स है कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। फर्दर इसकी रिपोर्ट पर अगर हम जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसके डिटेल में हम इसकी बात करेंगे। URL इंस्पेक्शन, देखिए फ्रेंड ये बहुत अच्छा टूल है, अगर आपको किसी भी URL के बारे में, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ अपने वेबसाइट का होम पेज comfortseo.com और मैं एंटर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये टूल गूगल से डेटा फेच करता है और हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर URL इंडेक्स है या नहीं है। अब देखिए URL इज ऑन गूगल, अगर ये इंडेक्स नहीं होता तो यहाँ पे दिखाता URL इज नॉट इन द गूगल। कवरेज में सबमिटेड एंड इंडेक्स है, मोबाइल यूजेबिलिटी क्या है और लोगोज और जो भी सारी चीजें हमने स्कीमा वगैरह वगैरह जो भी लगा रखा है वो सारा हमारा इस URL के लिए इनेबल है, ठीक है। अगर अब आपको टेस्ट करना है तो यहां से देखिए टेस्ट लाइव URL भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप होम पेज करें, कोई भी पेज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कवरेज पे, फ्रेंड्स बहुत अच्छी रिपोर्ट होती है, बहुत ही यूजफुल भी है, ठीक है। देखिए एरर, वैलिड विद वार्निंग्स, वैलिड और एक्सक्लूडेड, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो सारी चीजें आ रही हैं, डिटेल्स आ रही है, क्रॉल्ड, करंटली नॉट इंडेक्स, एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ से एक एक चीज करके देखो और मैं आगे आने वाली वीडियोज में आपको हर एक पॉइंट का एक एक वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट के लिए उसे कैसे यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो नॉन पेज, सबमिटेड पेज, फिल्टर टू साइट मैप, कौन कौन से XML आप देखना चाहते हैं, कुछ भी। नेक्स्ट आता है साइट मैप में, तो हमारे जो इसमें XML साइट मैप होता है तो देखिए हमने कुछ में एरर आ रही है, ठीक है, जैसे हमने कुछ डॉट की जगह कॉमा लगा दिया तो वो एरर दिखाने लगा, बाकी ये बिल्कुल सक्सेस चल रहा है। इसका एनालिटिक्स भी कैसे हम चेक करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां से आप सिर्फ ओवरव्यू देखिए कि ये साइट मैप होता है, इसमें हम कितने साइट मैप, आप जितने चाहें उतने साइट मैप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिमूवल्स, तो फ्रेंड्स होता क्या है कि देखिए जब हमारी वेबसाइट में कुछ पेज ऐसे होते हैं जिन्हें हम इंडेक्स नहीं कराना चाहते और वो इंडेक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो हम उन पेजेस को यहां से गूगल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी ये एक्टिविटी है, कई बार ऐसा होता है कि आपके क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं मुझे ये पेज तो गूगल में नहीं चाहिए था, ठीक है, और इमीडिएटली मुझे ये हटाना है, या कई बार ऐसा होता है हमने पेज URL चेंज कर दिया, नया पेज URL आ गया, पुराने को हमने रिडायरेक्ट कर दिया लेकिन अभी भी वो इंडेक्सिंग से नहीं हट रहा है, तो हम यहाँ से न्यू रिक्वेस्ट का यूज करके इसे हटा सकते हैं। ये भी मैं आपको हर एक चीज प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, आज हम सिर्फ ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए एनहांसमेंट का एक ऑप्शन आता है, ठीक है, एनहांसमेंट में क्या क्या है, सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस। तो देखिए मैनुअल एक्शंस क्या होते हैं फ्रेंड, जो मैनुअल एक्शंस का मतलब है कि अगर हमारी वेबसाइट पे कोई भी हमने इलीगल काम किया, कोई भी हमने ब्लैक हेड किया, तो गूगल हमारे ऊपर एक पेनल्टी डालता है, ठीक है, तो वो पेनल्टी कौन सी है, क्या है, वो सारा जो रिकॉर्ड रहता है वो हमारे मैनुअल एक्शंस में रहता है, ठीक है। अभी के लिए क्या कोई भी इशू डिटेक्ट नहीं है, अगर मेरी वेबसाइट पे कोई पेनल्टी होती है तो वो यहाँ पे मेंशन होती है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी वेबसाइट पे काम करना होता है उस पेनल्टी को हटाने के लिए। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स सिक्योरिटी एंड इशू, सिक्योरिटी एंड इशू में भी अगेन दिस इज प्योर टेक्निकल, कि अगर हमारी वेबसाइट पे कोई भी इशू है, सिक्योरिटी का कोई भी इशू है, तो वो क्या होता है कि गूगल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और हमें यह नोटिफाई करता है कि दिस इज द प्रॉब्लम विद योर वेबसाइट एंड यू हैव टू रिजॉल्व इट। गूगल अपनी तरफ से कुछ सजेशन भी देता है, अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव टू थिंक एट अवर एंड एज वेल कि ठीक है अगर इससे ये सॉल्व नहीं हुआ तो हमें क्या करना होगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स इंटरनेशनल टारगेटिंग, क्रॉल स्टेट्स, मैसेजेस, URL पैरामीटर्स एंड वेब टूल्स, ठीक है, ये अदर अदर रिपोर्ट्स होती हैं और ये दूसरे पेजेस, दूसरे ये एक तरीके से URL हैं, सपोर्टिव URL हैं गूगल सर्च कंसोल के, तो एक एक URL का हम यूज करेंगे। देखिए मैं एक URL आपको इंटरनेशनल टारगेटिंग का ये यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें क्या करते हैं। तो लैंग्वेज और कंट्री दो चीज होती हैं कि हमें कैसे स्पेसिफाई करना है कि हमारी वेबसाइट जो चल रही है उसकी लैंग्वेज क्या है और कंट्री क्या है।
कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी एक ही वेबसाइट है और वो मल्टीपल लैंग्वेज में काम कर रही होती है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखते हुए ये चेंजेस यहाँ पे करने होते हैं। इसके अलावा देखिए क्रॉल स्टेट्स हैं कि हमारा जो वेबसाइट है उसके स्टेट्स क्या है, क्रॉल स्टेट्स क्या है, तो देखिए हाई है, एवरेज है, लो है, कितने हैं पेजेस क्रॉल्ड पर डे, कितने हैं क्लोव ऑफ डाउनलोड पर डे, कितना है, ठीक है, टाइम स्पेंड डाउनलोडिंग इन ए पेज इन मिली सेकेंड, ये कितना है, तो ये आप ग्राफ से देखिए देख सकते हैं कब अच्छा जा रहा है कब खराब जा रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलती हैं। मैसेज जो मैंने आपको बताई दिया, यूआरएल पैरामीटर्स, बहुत सारे यूआरएल पैरामीटर्स होते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ को ब्लॉक कर सकते हैं, कुछ को अलाउ कर सकते हैं, देखिए कुछ ऐड पैरामीटर कर सकते हैं। हेल्प गूगल क्रॉल योर साइट मोर इफिशियंटली बाय इंडिकेटिंग हाउ वी शुड हैंडल पैरामीटर इन योर यूआरएल्स। तो कई बार क्या होता है, देखिए जैसे मेरी वेबसाइट है, अगर रिलेटेड सम इंडस्ट्री जहाँ की मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सर्च करा के देना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी वेबसाइट जो रिलेटेड है ई कॉमर्स से रिलेटेड है, तो उसमें जब सर्च करते हैं तो सर्च के बहुत सारे पेज बनते हैं, तो कई बार हम क्या चाहते हैं कि वो हर एक पैरामीटर के साथ सर्च पेज जो है वो इंडेक्स ना हो, तो हम उस तरीके के पैरामीटर को क्या करते हैं अपने यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जिससे कि गूगल उन यूआरएल्स को क्रॉल ना करे, इंडेक्स ना करे। उसके बाद फ्रेंड्स वेब टूल्स बहुत सारे आते हैं। फिर है देखिए लिंक्स, बहुत अच्छी चीज है फ्रेंड्स आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस जानने के लिए कि कितने एक्सटर्नल लिंक्स आपकी वेबसाइट पे बने हुए हैं, कितने इंटरनल लिंक्स बने हुए हैं, ठीक है, कौन कौन सी टॉप लिंकिंग साइट है जहां से आपने लिंक बना रखे हैं, टॉप लिंकिंग टेक्स्ट कौन सा है, तो ये कीवर्ड्स के डिफाइन करने में बहुत हेल्प करता है फ्रेंड्स। आप यहां से पूरी इस लिंक को एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन फॉर्मेट मोर सैंपल लिंक्स और लेटेस्ट लिंक्स, जो भी आप चाहें यहां से कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं, सीएसवी में कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है देखिए सेटिंग। सेटिंग में हमारी तीन चार चीजें होती हैं, देखिए एक तो ओनरशिप वेरिफिकेशन, यस वी आर द वेरीफाइड ओनर। अब आता है यूजर एंड परमिशन, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हमें अगर किसी को ऐड करना है, मान लीजिए हमें एक नया यूजर ऐड करना है, तो यहाँ पे हम उसका ईमेल एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे परमिशन दे देंगे। परमिशन में आप दो तरीके की होती है, फुल और रेस्ट्रिक्टेड। फुल में यूजर सब कुछ कर सकता है, थोड़ा बहुत चेंज जो चाहता है वो कर सकता है, रेस्ट्रिक्टेड में सिर्फ वो व्यू कर पाएगा, डेटा को वो व्यू कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा सेटिंग में देखिए चेंज ऑफ एड्रेस भी होता है। कई बार क्या होता है कि हमारा देखिए हम एक वेबसाइट से नई वेबसाइट पे मूव करते हैं, तो देखिए क्या होता है हम यहाँ से मूव कर जाते हैं और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है, हम यहाँ से डोमेन हमारा चेंज हो गया है, उस केस में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फीडबैक का भी ऑप्शन होता है, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। उसके बाद होता है अबाउट न्यू वर्जन, तो ये जो सर्च कंसोल टूल है ये हार्डली 1.5 ईयर एगो अपडेट हुआ है, उससे पहले हम इसे गूगल वेब मास्टर टूल बोलते थे। तो फ्रेंड्स ये सारा कुछ ओवरव्यू था, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको आज एक आइडिया लग गया होगा कि गूगल सर्च कंसोल क्या है, ठीक है। ऑन एन एवरेज मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन यूज करके बताऊंगा कि उससे आप रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, कौन सी रिपोर्ट ऐसी होती है जो आपको बिजनेस के साथ शेयर करनी चाहिए, अपने क्लाइंट के साथ शेयर करनी चाहिए, जिसके बेसिस पे कुछ डिसीजन जो हमारे मार्केटिंग के लोग हैं वो ले सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट की प्रेजेंस और परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं इसके स्टेट्स को यूज करके। तो गूगल सर्च कंसोल बहुत ही यूजफुल टूल है जो कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कराने में बहुत ही हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आएगी और अगर आपकी कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो दूसरा तरीका मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आप मेरी वेबसाइट comforseo.com पे जाके अपनी क्वेरी को छोड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम।